गली में इतने नाते लगी है ना, पहाड़ी का सामान बना रहे हैं। अमन पूजा। और ये वो जीना जो पापा ने तैयार किए थे, और ये हमारा पोस्टर लग रहा था, और ऊपर सिर्फ खीर। और आप ऐसे देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं सारा सामान बिखरा हुआ है। तो गाइस आज है रबी लेवल, तो इस टाइम मैं छत में आया व्लॉग बनाने के लिए। गाइस रबी लेवल आ गई, आज ही रबी लेवल का दिन है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के दिन व्लॉग बनाने के लिए। ज़िंदगी में पहली दफ़ा रबी लेवल में मैं व्लॉग बना रहा हूँ आज। गाइस लिटरली आप सोच भी नहीं सकते, गली में इतने की नाते लगी है ना, गली में इतने की नाते लगी है ना, जहाँ देखो नाते लगी हैं। अभी आपको नीचे जाएंगे तो दिखाएंगे सारा कुछ। तो इस टाइम मैं छत में आया हूँ लंगर देने के लिए। दीप अले अभी यहाँ पे रखे हैं, अभी सारा सामान यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, वो आगे देखें। और मतलब कि रबी लेवल क्या आ गई, पूरी छत ही बड़ी है सामानों की। तो आप चलते हैं नीचे किचन पर, तो वहाँ पे सूरत हाल देखते हैं क्या है लंगर वगैरह की, जो चलने बाहर देना है। शायद आगे से थोड़ा पापा बनाएंगे व्लॉग, उनका देख लेना आप। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, खैरियत है, आप ठीक हैं, खुदा करे आप सब बेहतर हो, खैरियत से रहिए। मैं आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। आज ये देखें आलू रखे हुए हैं उबालने के लिए, इसके बाद ये मीठा है, इसके बाद ये भी आलू है, ये चने हैं, और इसके अलावा ये बर्तन और भी आए हैं। देखिए ये वो बनाया है, इमली का पानी खट्टा बनाने के लिए रखा हुआ है हमने, और ये चने उबालने के लिए रखे हुए हैं, जिस चने उबालने के लिए। इसके अलावा जैसे जैसे चीज़ें तैयार होगी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ओके खुदा। तो गाइस पापा का व्लॉग तो आपने देख लिया, चलते हैं नीचे, नीचे की सूरत हाल आपको दिखाते हैं क्या है नीचे। तो अभी मैं सीढ़ियाँ उतर के नीचे ही आया, तो यहाँ पे देखा कितना सामान पड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी सामान पड़ा हुआ है। तो गाइस इस टाइम मैं गली में आया, तो आपको यहाँ से शुरू कराते हैं दिखाने चीज़ें। वैसे तो अभी लगा रहे हैं चीज़ें, रात को सही दिखाएँगे आपको। उधर रजा डॉन और सफियान डॉन ये पहाड़ी का सामान बना रहे हैं, ये देखें, ये हमारी गली है, इधर ये लगे हैं, और आगे सामान वगैरह बिक रहा है। और अभी बाहर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे सामान वगैरह। तो अब मैं पहाड़ियों के साइडों पर डालने लगा, पहाड़ियों के साइडों में लगाते हैं ये। और सबसे पहले अपनी गली से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने लगाया एक मॉडल, और मैंने आपसे एक बात करनी है, जो उधर गली वगैरह के मॉडल हमने लगाने हैं वो आपको रात को दिखाएंगे सही तरह। ये भी कलर लगा रहे थे ना, उसका हाथ देखें, और वो मॉडल आपको रात को दिखाएंगे सही तरह। पहले अपना आपको अपना पहले यहाँ से सारा वगैरह दिखा देते हैं, चीज़ें जो सी भी आपको दिखाएंगे। क्या है वो वाइट सी मस्जिद है बड़ी सी, जैसा कि आपने पीछे देख लिया, वो रात को भी आपको दिखा दूँगा सही तरह के। अब अपनी चीज़ें आपको दिखाते हैं यहाँ से। तो भी मैंने कैमरा ऑन कर लिया, शायद आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि नाते वगैरह लगी हैं यहाँ पर। तब देखिए जाए क्या क्या देखते हैं आप। ये इनका डैप वाइट मस्जिद लगाई है इन्होंने, और हमारे यहाँ पे भी लगे हैं सारे काम पे, और यहाँ पे आता सबसे पहले अल्लाह का घर, उसके बाद आता कुरान पाक, और उसके बाद आता है यहाँ पे बड़ी पहाड़ी, और ये है हमारी पहाड़ी। और ये वो जीना जो पापा ने तैयार किए थे,
हमारा घर है और इसके साथ ही यहाँ पे हमने कॉर्न वाली मशीनें लगाई हैं और यहाँ पे गोलगप्पे वगैरह लगाने हैं और ये हमारे पिछले साल के कप हैं सारे। और यहाँ से आपको दिखाते हैं सारा। तो गाइस गली के एंड पे आ चुका मैच टाइम। तो जैसा कि आपने पीछे देखा पीछे से वगैरह लगा रहे हैं और उन्होंने वाइट मॉडल लगाया, तो वो आपको जस्टिस मैं सही तरह करूँगा रात को, तब रेडी हो जाएगा पूरा। तो इसलिए यहाँ पे मैं इसलिए आ रही हूँ कि नाते वगैरह बाहर लगी हैं तो बॉस का ज़रा प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लॉगिंग भी कम हो सकती है। बस अब जैसा का भी देख रहे हैं जैसा भी दे रहे हैं तो जैसा भी दे रहे हैं बस देखें आप ब्लॉग इंजॉय करें मेरा जितना जितने मिनट का बन गए लोग। और कपड़े मेरी हालत देखे अभी मैं नहाया भी नहीं, कपड़े भी वैसे पुराने पहने हैं मैंने, तो नहाते हैं धोते हैं फिर कपड़े वगैरह पहनते हैं फिर ब्लॉग करेंगे वहाँ पर और आप भी इंजॉय कराएंगे खुद भी इंजॉय करेंगे। लंगर अभी हमने लगाना है लंगर पे, गोलगप्पे आइसक्रीम स्लैश और दही बल्ले खीर लब्बे श्री ये चीज़ें वगैरह हमने यहाँ पर लगानी हैं, वो आपको ब्लॉग के बीच ही ब्लॉग के चलते चलते ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने खाने हो तो खा ले मुझे वो कह रहे हैं। और ये हमारा पोस्टर लग रहा है थोड़ा पुराना है पिछले साल का है और मैं ये बैठा हूँ। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल। और इनका भी मॉडल तैयार हो रहा है सवर जा। तो गाइस इस टाइम मैं छत में आया हूँ, तो वो छत में मैं इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मैं कपड़े लेने के लिए आया हूँ अपने, और यहाँ पे सारे गठलियाँ वगैरह पड़ी हैं कपड़ों की, यहाँ पे मैं अपने कपड़े निकालता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे निकालते हैं कपड़े और पैंट शर्ट निकालूंगा मैं। तो गाइस फाइनली फाइनली मैंने कपड़े निकाल लिए अपने और ये पीछे दे रहे हैं और ये है मेरे कपड़े, रेड शर्ट है और ये जीन्स की पैंट है और इनके साथ मैं वाइट बूट पहनूंगा। तो फटाफट से कपड़े वगैरह पहन लें और उसके बाद आपसे मिलते हैं गाइस। ये आज बहुत ही मज़ा करने वाले हैं हम इंजॉय, ये देखें लाइट वगैरह इतना भी एक्साइटेड हो रहा है मैं ब्लॉग बनाने के लिए। मिलते हैं आपको से थोड़ी देर बाद नहा धो के कपड़े पहनकर, छत में ही मिलेंगे आपसे। तो ऑलराइट गाइस अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, वाइट बूट जीन्स की पैंट हो सर, तब चलते हैं फटाफट से नीचे, बहुत एक्साइटेड हूँ, आपसे मिलते हैं सीधे ही नीचे। तो गाइस अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, आपको यहाँ का माहौल दिखाती हैं। तो गाइस अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, यहाँ पर राशि देखे कितना ज़्यादा। और यहाँ पे दो एक्सिम और स्लैश वाली मशीनें और सामने की तरफ दो जीन है, यहाँ पे गोलगप्पे गड्ढा है, यहाँ पे पहाड़ी है और यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं। और ये है हमारा इधर का स्टोर, अब भी आपको सही तरह दिखाऊंगा। तो गाइस अभी हम स्लैश शुरू करने लगे यहाँ पर। तो अली हसन तो मैं इस टाइम ऊपर बैठे हैं वो इसलिए क्योंकि नीचे बहुत ही रश है, सारे नीचे चले गए, मम्मा पापा सारी चीज़ें चली गई नीचे और ऊपर सिर्फ खीर और दही भले पड़े हैं जो कि अभी बांटने थोड़ी देर कर ये बांटेंगे। खट्टा भी अभी यहीं पे पड़ा, गोलगप्पे का शॉपर वो सामने पड़ा, अभी चीज़ें ये वाली चीज़ें बांटनी है, फ्रेश सिर्फ और कौन बांट रहे नीचे। तो इतना ज़्यादा रश है, मैं 2 घंटे के बाद ये ब्लॉग बनाऊंगा। और ये दरअसल गोलगप्पे ला रहा है और खाई जा रहा है खट्टे के साथ, कमरे पे कोई भी नहीं है, खाली कमरा है, हम दोनों ही सिर्फ बैठे हैं यहाँ पर। ये देखें ऐसे खाते हैं कुछ गोलगप्पे और उसके हाथ सांस के खाते हैं ये ऐसे। और अब मैं भी थोड़े से गोलगप्पे खाता हूँ और उसके बाद
चलते हैं नीचे, एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे वहाँ से। पहले उनका मॉडल दिखाएंगे, फिर अगली गली का मॉडल दिखाएंगे, फिर अपनी बारी आएगी। अभी ये चीज़ें बांटेंगे, उसका भी ब्लॉग बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ना एक दो और मोहल्ले हैं, वहाँ पे अगर टाइम मिला तो चल जाएंगे, नहीं मिला तो नहीं। अब गोलगप्पे इंजॉय करते हैं खा कर, खाते हैं तो फिर मिलते हैं आपसे। आएंगे हम ये बेकसम, क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसम, क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। कितना प्यारा लग रहा है इनका, कंप्लीट हो चुका, आपको दिखाता हूँ। रश देखे कितना ज्यादा, और आपने रश देखा, ये देखो कमरे में बैठो, ज्यादा रश है। तो गाइज़ बस वीडियो एंजॉय करें, राशि देख रहे हैं आप कितना ज्यादा यहाँ पर, बोलना भी नहीं जा रहा मेरे से। जब भी तबीयत मलूल होती है तो शाद काम
बना में रसूल होती है। तो इस टाइम अपने टेरेस में आई, यहाँ पे आपको दिखाते हैं कैसा व्यू आ रहा है, और यहाँ से देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। मजा आएगा ना भिड़ो ना। तभी स्लैश दे रहे थे अंकल, अभी रोक दिया काम। तो और गाइस इधर कौन लगे है देखे, इस टाइम थोड़ा सा रश कम हुआ, ये देखें कौन आगे आगे, थोड़ा सा ज्यादा रश है। हो जिस दुआ में मोहम्मद का वास्ता शामिल, हुजूर हक वो यकीनन कबूल होती है। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। तो गाइस अभी सारे के सारे जा चुके हैं, पीछे खाली हो गया है देखें। अभी खुशी लोग यहाँ पे बैठे हैं, चंद चंद लोग हमारे बस यहाँ पे हैं, और बाकी सारे चल चुके हैं ये देखें। यहाँ पे भी सारा खाली पड़ा है, सारे जा चुके हैं। वैसे ही बहुत इंजॉय किया था हमने यहाँ पर, मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया यहाँ पर हमने। तो गाइस इस टाइम मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो अभी सारे जा चुके हैं, और सारे जा चुके हैं, गली खाली पड़ी है। तो घर का काम कराना है, तो ब्लॉग बहुत कम हो सकता है मेरा, तो इसलिए मैं मोबाइल ऊपर रख के पहले काम करूँगा, फिर ब्लॉग आके बनाएंगे। तो बच्चे बाटे सारे यहाँ पे खड़े हैं, बच्चे बाटे आपसे मिलते हैं थोड़ी देर तक, पहले नीचे काम वगैरह करा लें, जैसे कि आपने पीछे देखा। सुबह ही मिलेंगे। 2000 years later. तो गाइस फाइनली सारा गली का काम खत्म हो चुका है। इस टाइम हम छत में आए हैं, इसमें सबसे पहले यहाँ पे आते हैं अली हसन, और यहाँ पे जैन, और छत की हालत देखें आप। और यहाँ पे हैं रोटियाँ, ये है हलीम, ग्लास मसाले हैं, कुछ बोतल है, पानी है। तभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो ये खाना खा कर आपसे मिलते हैं बाद में, शायद मैं ब्लॉग आज यहीं पे रोक दूँ, अब मिलेंगे आपसे कल। तो राइट गाइस, अभी नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, हमारे कज़न पीछे। तो रबी लेवल तो गुजर चुकी है हमारी, बहुत ही काम करवाया था हमने, हम सारों ने मिलकर, वो बहुत मज़ा भी आया था। तो अब रबी लेवल जा चुके हैं, अब घर के काम भी करवाने हैं, चीज़ें सवेरनी है, लाइटें तारनी हैं, अब उसके भी बहुत ही काम करना पड़ना हमें। तो अभी नए हैं, अभी हम इस टाइम छत में आए हैं यहाँ पर, और ये देखें छत का खलाड़ा, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और गाइस बाकी आपने लाजमी बताना है मेरे के पीछे लाइटों वाले, और पिछले आपको ब्लॉग कैसे लगे। तो ये वाला ब्लॉग जब तक आप देख रहे हो ना, वब तक मैं दूसरा ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा ब्लॉग लेट हो गया, क्योंकि मैंने वो वीडियो आगे पीछे करके अपलोड किया, उसकी वजह से लेट हो गई थी वीडियो। तो गाइस आपको एक चीज़ और दिखानी है, अभी वो छोटा कज़न गया है, हम यहाँ पे बैठे हैं, तो वो आती है तो वो उसी टाइम आपको दिखाते हैं, तो उसके बाद ब्लॉग एंड करते हैं। गाइस बहुत ही थका हूँ, मुझे तो खान बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ पर, अब घर के काम भी करवाने हैं, पीछे बैकग्राउंड देखना है, मतलब कितने काम है ना घर के, हालत टाइट है। आ गया अब फाइनली गाइस आ गया। और गाइस अभी कप मेरे सामने पड़ा है, जो कि बहुत खूबसूरत है देखने में भी,
तो एकदम लगता है कप है, वाह इतना भारी भी है, आपको दिखाता हूँ। तो मैं दिखाने लगूँ आपको, 1 2 3 4 रुको ज़रा सब्र करो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। ऑलराइट गाइस, ये है हमारा कप, 2021 की रबी लेवल को मिला है, तो बहुत ही भारी है कप और बहुत ही मेहनत की थी इसे लेने के लिए। और सेकंड अवार्ड है ये, आगे समझे फर्स्ट अवार्ड है, फर्स्ट अवार्ड उनको मिला था, आगे दूसरे वाइट जिन्होंने वाइट बड़ी मस्जिद लगाई थी लोग ने देखा जैसा कि, और ये सेकंड अवार्ड है, फर्स्ट उन्होंने मिला है। तो इनके साथ पैसे भी हमें कुछ मिले हैं, ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारा कप है, और इतना का वजन ही है ना, पता लग रहा है कि कप पकड़ा हुआ है, ये देखें आज़ादी मुबारक, ये देखिए इसका कप है, बहुत ही अच्छा कप है। और मोहम्मद के शहर में हवाएं भी अदब के साथ चलती है, मोहम्मद के शहर में मोहम्मद के तो गाइस अभी नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है, रबी लेवल का दूसरा दिन था आज, तो रात भी हो चुकी है, मैं काफ़ी 2-3 घंटे के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी मेरे सारे खाला वगैरह जा चुके हैं, छोटा सा फ्यान था उसके खाला भी जा, उसकी मामा भी जा चुकी है, मतलब कि चार आंटियाँ आई थी आज मेरी रबी लेवल वाले दिन, चार आंटियाँ आज चार भी आई थी, और भी कज़न थे हमारे, तो उस चारों बेचारे आंटियाँ आज जो आ चुकी हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ इंजॉय करके, वो व्लॉग देख रहे होने मेरा इंजॉय कर रहे होने, ये देख रहा ना जैन या कोई देख रहा ना व्लॉग, तो लाइक कर देना वीडियो को, और मतलब कि कोई जाता है ना तो दिल से ऐसे लगता है दिल मारा निकाल के ले कर जा रहा है, ऐसा लगता है दिल से, मतलब कि इतना घर बोरिंग हो गया अब हमारा, खाली पड़ा है अब घर में कोई भी नहीं है, तो सारे अपने अपने घर पर बैठे हैं इस टाइम। ब्लॉग एंड करते हैं, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, पसंद है तो वीडियो को लाइक करें यार, हिट लाइक करें, मैंने इतनी मेहनत से ये ब्लॉग बनाया, प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, सामान कुछ को दिया इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। अब रबी लेवल तो गुजर गया, अब रूटीन वाइज हमारे ब्लॉग आएंगे, आपको 2 दिन बाद आ जाएगा, 1 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आ जाएगा एक ब्लॉग, ऐसे करके रूटीन वाइज ब्लॉग आएंगे, तो बस अब जो भी है अल्लाह हाफिज़। क्या कहेगा जहां हम ये बेकसम, क्या कहेगा जहां से खाली, अगर जाएंगे ताजदारे हरम, ताजदारे हरम।